वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। गर्मियाँ आ चुकी हैं और हमारे स्टेप्स की लिस्ट बन चुकी है कि हमें फेस पे पहले क्या क्या लगाना है। पहले मुंह धोना है, फिर टोनर लगाना है, फिर सनस्क्रीन लगाना है, फिर मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर फाउंडेशन, फिर ये, फिर वो। मतलब फेस ना हो गया हमारी दीवार हो गया कि पहले POP करो, फिर सफ़ेदी करो, फिर पेंट लगाओ, मतलब इतना कुछ लगाओ। कितना अच्छा हो ना कि हम इसमें से कुछ स्टेप्स को कम कर सकें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट। जी हाँ, ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो आपके दो स्टेप्स को ख़त्म कर सकता है। मैं इसे यूज़ करती हूँ एज अ टोनर और एज अ सनस्क्रीन। क्या है ये? ये है वाव का UV वाटर। जी हाँ, ये पानी है और सनस्क्रीन का काम करता है। तो ये क्या करेगा, इसका फायदा ये है कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, मतलब आपके टोनर का भी काम कर देगा और आपके सनस्क्रीन का भी काम कर देगा। तो आपने अपने फेस को फेस बनाए रखना है, दीवार नहीं बनाना है कि उसमें पुताई पे पुताई चलती जा रही है। कुछ नहीं करना है ऐसे। तो ये है वाव का UV वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे SPF 30 और ऑल स्किन टाइप। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग सनस्क्रीन लेने जाते हैं, हम उसका टेक्सचर चेक करते हैं, ये ड्राई तो नहीं कर देगा मेरी स्किन को, ये मेरी स्किन को ज़्यादा ऑयली तो नहीं कर देगा, बट क्योंकि ये है पानी तो ये कोई भी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। और लड़कों जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप तो इसे ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि हमसे ज़्यादा धूप में आप लोग रहते हो, हमसे ज़्यादा बाहर आप लोग रहते हो और फिर बोलते हो कि मेरे लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं बताती। तो जो प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ ना, वो आप ले लिया करो फटाफट से। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट ज़रूर कर लेना। ये है नेचुरल सन ब्लॉकर। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो नेचुरली सन को ब्लॉक करते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट है रेसबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो। शेक करना है आपने इसको और फिर अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, बेसिकली ये स्प्रे है और आपने इसे इस तरीके से अपने फेस पे स्प्रे कर लेना। अभी तो मैंने मेकअप कर रखा है, इसे रिमूव करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कैसे आपने इसे स्प्रे करना है। इसकी जो स्प्रे बोतल है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। नॉर्मली कई बोतल्स मैं यूज़ करती हूँ, स्प्रे हम करते हैं ना वो इतनी ज़ोर की फेस पे आता है ना, ऐसा लगता है किसी ने चाटा मार दिया। अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है, बट इसकी जो है ना ये फुहार जैसी आ रही है, आप देखो। तो ये बिल्कुल भी आपके फेस पे ऐसा नहीं लगेगा कि पैची सा हो गया, बट क्योंकि ये वाटर है तो ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपने इसे यूज़ करना है अच्छे से शेक करके। बात करूँ इसकी, तो इसमें है नो पैराबेंस, नो सिलिकन्स, नो मिनरल ऑयल, तो मतलब इसमें केमिकल्स नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स आप देख सकते हो। और यह है बिल्कुल पानी, इसमें इतना ऑयल दिख रहा है मुझे ऊपर से, तो आपने शेक करना है, वरना ऑयल ऑयल आएगा तो आप बोलोगे भैया कितना घटिया प्रोडक्ट है। तो शेक पहले अच्छे से कर लेना है। अगर बात करूँ इसकी, तो यह क्रुएल्टी फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, तो बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलो अब मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ और आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ। किसी किसी वीडियो में कॉमेडी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो एडजस्ट कर लिया करो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।